हेलो इंडिया, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और अनदर ब्लॉग में। तो चलिए, फिलहाल हम आ चुके हैं मथुरा वृंदावन में। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ का काफ़ी व्यू दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए आपको काफ़ी सारे डेज़ की ज़रूरत रहेगी, तभी आप पूरे मंदिर को घूम पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारे श्रद्धालु वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा यहाँ का राउंड लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं वीडियोस में काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जो देखने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। कुछ मंदिर है जो बहुत ही पुराने हैं और कुछ मंदिर यहाँ पर ऐसे हैं जो कि श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था से तैयार किए हुए हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे बहुत सारे मंदिर जो हैं उनमें से छोटी छोटी वीडियोस को या छोटे छोटे क्लिप्स को उनमें से देख सकते हैं। हम आपको आज बात करेंगे श्री राधा बल्लभ जी लाल जी के बारे में, उसी के बारे में हम बात करेंगे फिलहाल। तो फिलहाल आप एक छोटी सी क्लिप में इस वीडियोस को देख सकते हैं। श्री राधा बल्लभ जी वो हैं जो एक ही में राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा देखते हैं, जैसे शिव और पार्वती एक साथ एक ही में देखते हैं। ये है वृंदावन का खूबसूरत जो नज़ारा है, भगवान कृष्ण जी का जन्म स्थल है। पूरे भारत के लोग आते रहते हैं, 12 मंथ में आते रहते हैं, और भारत से बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जो टूरिस्ट हैं, जो बाहर के लोग हैं वो परमानेंट यहाँ पे रहना शुरू हो चुके हैं। तो ये है श्री हित हरि जी जो सबसे पहले वृंदावन लेके आए थे, जिन्होंने यहाँ पे श्री राधा बल्लभ जी की स्थापना की थी। शुरुआत में वृंदावन में सबसे पहले वही इनको लेके आए थे यहाँ पे। तो फिलहाल हम मंदिर की एक झलक देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक छोटी सी कहावत है, राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ। ये बात रियल मायने में सच है। जब हम गए तो हमारी सौभाग्य की बात है, हमारी किस्मत की बात है कि हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए। ये मंदिर एक तो ज़्यादातर बंद रहता है, ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम खुलता है। मंदिर तो काफ़ी टाइम ओपन रहता है, लेकिन दर्शन कर पाने वो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर में जो श्री राधा बल्लभ जी के दर्शन हैं वो ओनली 5 मिनट के लिए होते हैं। वो भी जब आरती होती है, स्टार्टिंग में जो मंदिर खुलता है तो आरती होती है, जितनी देर उतनी देर मंदिर खुला रहता है। उसके बाद वहाँ पे पर्दा लगा दिया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप सामने इसकी एक झलक देख सकते हैं। वहाँ पे अभी भी पर्दा लगा हुआ है, इसका टाइमिंग रहता है खुलने के लिए। तो हम यहाँ पर 5 बजे से पहले आ चुके हैं, हमें एंट्री मिली थी 4:50 में शाम के टाइम की, और ये मंदिर खुलेगा पूरे 5 बजे, तब आरती होगी। आरती होने के बाद फिर ये मंदिर बंद कर दिया जाता है इसी तरीके से। तो फिलहाल आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये मेरे साथ आप सभी के सौभाग्य की बात है कि आप भी श्री राधा बल्लभ जी लाल जी के दर्शन कर सकते हैं, और आप उनके साथ एक छोटी सी मूर्ति देख सकते हैं। वो है राधा रानी जी का मुकुट। तो ये रहे, आप देख सकते हैं अभी जो है आरती करने के बाद जो है उन्होंने पर्दा जो है वो लगा दिया है। इस तरीके से ये मंदिर सिर्फ आरती के टाइम ही खुलता है, बाकी आप वैसे घूम सकते हैं। यहाँ पे दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अगर आपको भी यहाँ का कभी आना हो तो आप इस टाइम के हिसाब से यहाँ पर मंदिर में आइए कि आपको दर्शन हो पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई साल हो चुके हैं यहाँ आते हुए, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हो पाए। ये है भगवान शिव का एक शिवलिंग जिसमें श्रद्धालुओं की बहुत ही आस्था है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कंटेंट जो है वो इससे भी बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।